पूर्व सीएम कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक और कमलनाथ को विपक्ष का नेता बनने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हालांकि इस दौरान पूर्व की कमलनाथ सरकार पर तंज कसने से नहीं चुके। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को सद्भावना दिवस के अवसर पर वल्लभ भवन स्थित पार्क में सद्भावना एवं एकता की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस, अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई सहित मंत्रालय विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शपथ समारोह कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कमलनाथ की युवा संवाद संबोधन कार्यक्रम पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि युवाओं से प्रार्थना करूंगा कि वो कमलनाथ से 4000 महंगाई भत्ते की घोषणा के बारे में पूछे। 15 महीने में कमलनाथ ने किसी भी एक नौजवान को महंगाई भत्ता दे पाए या फिर 15 महीनों की सरकार में किसी को भी एक नौकरी दे पाए? ये सवाल नौजवान उनसे आज के कार्यक्रम में जरूर पूछे। मैं तो भाई उनको बधाई दूंगा। देखो, कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा से विधायक माननीय कमलनाथ जी, विधायक दल के सचेतक माननीय कमलनाथ जी, विधायक दल के मुख्य सचेतक कमलनाथ जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय कमलनाथ जी को नेता प्रतिपक्ष बनने पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज शाम को 6 बजे मैं उन्हें व्यक्तिगत भेंट करके भी बधाई दूंगा। सर, इनकम टैक्स की रेट वो व्यक्ति कह रहा है जिसने 15 महीने में एक भी नौजवान को नौकरी नहीं दी, सिंगल एक नौकरी की वैकेंसी नहीं निकली इस मध्य प्रदेश के अंदर, एक नौजवान को कहीं भी रोजगार नहीं दिया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, वो व्यक्ति कह रहा है नौकरी के बारे में। अरे, ये सरकार कुछ करने जा रही है तो करने तो दो हुजूर। युवाओं से संवाद भी कर रहे हैं भाई? युवाओं से मैं तो यही आग्रह करूंगा जो मैंने बोला है वो पूछे कि क्यों नहीं दिया बेरोजगारी भत्ता, कहा था तो, और नहीं दे सकते थे तो कहा क्यों था, वो कहा था तो दिया क्यों नहीं था, एक भी नौकरी क्यों नहीं दी, कही क्यों थी आपने कि रोजगार देंगे, लिखित में कहा था। लिखित में झूठ बोलने वाले लोग कह रहे हैं, मन को पीड़ा हो रही है। वो कर सकते ही नहीं है, ट्विटर और टीवी की राजनीति है। कभी फील्ड में जाए तो जनता का दर्द पता चले, तब तो स्पष्ट कोई बात बोल पाएंगे, न तो वो साथ में कह रहे हैं कह रहे हैं। लोग दिल्ली में बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। सर, कांग्रेस में कई और सीनियर लीडर मगर घोषणाओं पे घोषणाओं कर रहे हैं, जनता सतर्क रहे प्रदेश की। ये वो व्यक्ति कह रहे हैं जो लिखित में झूठ बोलते हैं। इन्हें विधिवत जो मैनिफेस्टो अपना जारी किया उसमें लिखित में झूठ बोला कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे 4000 रुपये महीना, 15 महीने में 60000 रुपये होते थे, एक को नहीं दिया। लिखित में झूठ बता रहा हूँ। इनने लिखित में झूठ बोला कि 2 लाख रुपये 10 दिन में माफ़ कर देंगे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के राहुल गांधी ने झूठ बोला लिखित में। इनने कहा कि हम स्कूटी देंगे, लिखित में झूठ बोलने की बातें कर रहा हूँ। वो हमसे कह रहे हैं तौबा तौबा, कैसे लोग हैं, शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर फेंक रहे, कैसा है यार। आपने युवाओं को कहा कि मध्यप्रदेश में आपको नौकरी मिलेगी, बाहर का आदमी यहाँ अप्लाई नहीं करेगा, उसी पे उन्होंने पलटवार किया। वहीं प्रदेश में सरकारी नौकरी में 100% मूल निवासी को नौकरी देने के फैसले पर कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत भाजपा को नहीं है, लेकिन अच्छा है वो हमला करे, वो विपक्ष में है लेकिन ट्विटर या विज्ञापन से नहीं सड़कों पर उतरे। भोपाल से शुभम मिश्रा की रिपोर्ट।